तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गेमर नित्य पे। तो ये मैच जो है हम करवाने जा रहे हैं भाई, टीम इंडिया यानी कि अपने इंडियन प्लेयर जो कि WWE में है और बाकी WWE के दूसरे प्लेयर के बीच। तो अपनी टीम इंडिया के प्लेयर में हमने रखा है भाई द ग्रेट खली, इनको कौन भूल सकता है भाई। दूसरा अपना वीर महान आजकल जो बहुत बढ़िया चल रहे हैं WWE में, और तीसरे है जिंदल महाल भाई। तो तीनों ही प्लेयर बहुत बढ़िया है और सामने हमने रखा भाई अपने जॉन शीना और एजे स्टाइल और सेथ फ्रीकिन रोलेंस। तो देखते हैं भाई कौन सी टीम इनमें से जीत पाती है भाई, ये अपने टीम इंडिया का नाम रोशन करेंगे अपने इंडियन प्लेयर। तो फिलहाल तीन तीन फिनिशर सबको दे रखे हैं भाई। पहला फिनिशर जिन अपने वीर महान ने लगा दिया एजे स्टाइल को, तो हालते खराब कर दिया एजे स्टाइल की आते ही। अभी देखते हैं भाई वीर महान क्या करते हैं, क्या जिता पाएंगे अपनी टीम। डीडीटी पड़ी फिलहाल तो, लेकिन आते ही एजे स्टाइल का फिनिशर लगा के उसका डैमेज अच्छा कर दिया, डैमेज फिनिशर के बाद उसके। फिलहाल तो अभी एजे स्टाइल मार ही रहे हैं भाई। चल वीर उठ भाई, तो मुझे लगता है टैग देने आ रहे हैं भाई। तो सीना जी को अपने टैग दे दिया इन्होंने भाई। वीर कुछ मारेगा भी या मार ही खाता रहेगा, जब से आया फिनिशर के बाद यार कुछ मारा ही नहीं बंदे ने, तब से छित ही रहा है अब तक। तो ज्यादा भी नहीं पिटना भाई। हाँ चलो रिवर्स कर दिया फाइनली, अब फिनिशर लगाएगा कुछ और करेगा। कहाँ जा रहा है भाई? अरे भाई ये सही किक थी यार, सही मारा भाई। तो थोड़ा बहुत सीना भैया का भी डैमेज अब पड़ना शुरू हुआ भाई। चलो टैग करने जा रहा है भाई, खली को अंदर बुलाएगा किसको? हाँ खली और वीर महान दोनों मिलके मारेंगे भाई सीना को। ये बढ़िया है, ओ शोल्डर टैकल, क्या बात है यार, ये बढ़िया था यार। डबल चोक स्लैम, ओ रिवर्स कर दिया सीना ने, सीना ने रिवर्स कर दिया भाई। तो सीना भी यार बहुत बढ़िया प्लेयर है, ऐसी बात नहीं है, और बढ़िया मैच कर रहा भाई अपना खली भी। तो खली भैया चलो उठाओ इसको और फिनिशर लगाओ, एक तो रिवर्स कर दिया, अब दूसरा तो नहीं रिवर्स करेगा। करो 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 ट्राई करो भाई, नहीं तो फिर सीना भैया डबल ए लगाएंगे। ओ तेरी के, ओ ये तो क्लोल होगी यार, मूव थीफ, क्या मजेदार था यार। तो मूव थीफ लगा दिया भाई द ग्रेट खली ने सीना को डबल ए। मैं तो बोल रहा था कि डबल ए सीना लगाएंगे, ये तो खली ने लगा दिया, बढ़िया ट्विस्ट, क्या बात है भाई, खली ने मजा दिला दिया यार मैच का, जिंदगी बना दी मैच की खली ने यार। लेकिन अभी फिलहाल अभी तक कोई एलिमिनेट नहीं हुआ, अभी देखते हैं भाई कौन होता है सबसे पहले। लेकिन खली ने यार पैसा वसूल काम किया भाई। चलो अभी देखते हैं भाई, तो अपने आ गया भाई खलास लगाने वाले प्लेयर। अबे पकड़ ले इसको, कहाँ जाने दे रहा है जिंदल यार, वहां भी यही करता है यहां भी यही कर रहा है। चलो ये तो रिवर्स करवाएगा भाई, ये रिवर्स होगा देखना। चलो छोड़ ही दिया, कुछ बढ़िया भी करके दिखाएगा या ऐसे ही पिटेगा जैसे वहां पिटता रहता है। स्टॉम्प की तैयारी, अरे मुझे तो लगा था लगाएगा यार, ये तो एजे स्टाइल के पास चला गया। चलो ये तो खाएगा मार भाई, ओ खलास, ये लो जी। तो स्टाइल ने बोला कि यार तुम मूव थीप लगाओगे तो हम भी मूव थीप लगाएंगे भाई। तो खलास, मुझे लगा था कि हमारे जिंदल माल देंगे, एजे स्टाइल ने आके खलास जिंदल को ही दे दिया। चलो भाई गंदे वाला काम हो रखा है यार, यहाँ तो कुछ पता नहीं लग रहा है भाई कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है। हाथ अभी तक जिंदल का ठीक नहीं हुआ खल्लास पड़ने के बाद, अब मुझे लगता है कि शायद, अरे ये क्या कर रहा है भाई एजे, फिनोमिनल। चलो चलो मुझे लगता है उसी की तैयारी है। अरे नहीं यार ये कहाँ नीचे कहाँ चला गया भाई, मुझे तो लगा था ये फिनोमिनल फोर आर्म मारेगा यार, उसी की तैयारी है क्या? हाँ चलो उठा लिया भाई,
ये किधर जा रहा है, लगेगा क्या, कहाँ मारेगा? ओ ले, लगना ही नहीं था भाई इतनी दूर से, ज़्यादा ही दूर खड़ा था, लेकिन स्टाइल ने संभाल लिया टाइम। चलो वीर जिंदल महाल कुछ नहीं कर पाए फिलहाल, देखते हैं वीर महान कुछ करते हैं। पावर बॉम्ब लगाने की तैयारी है, कहाँ लेके जा रहा है भाई, बाहर तो ना फेंक। ओ लो भाई, इतनी देर लगाओगे तो रिवर्स तो हो गई ना यार, इतना बढ़िया मौका था भाई इसके पास, खाया ना फिर बैक फ्लिप। डीडीटी, ओह इसकी, हाँ अभी ये मुझे लगता है ये शायद कनेक्ट हो सकता है, वीर महान ने अगर रिवर्स ना किया ना तो ये वीर महान को पड़ी। ओ कर गया रिवर्स, कर गया भाई। चलो चलो फिनिशर लगाओ ना यार, रिवर्स। अच्छा जी, रिवर्स पे रिवर्स खेल रहे हैं ये दोनों। चलो ये जे स्टाइल अब तो लगाएगा भाई, अब तो लगाएगा ही लगाएगा, अब तो कनेक्ट होगा मुझे लगता है, पड़ गया, हालत खराब है भाई, तो बचाने के लिए कोई ना कोई आ ही जाएगा वैसे तो। ओ चलो जिंदल ने कुछ काम बढ़िया किया यार, बचा लिया अपने पार्टनर को। वीर महान को तो ऐसा पड़ा भाई, वो तो उठा ही नहीं। अरे वाह वीर महान, कोई वीरता वाला काम कर दे। अच्छा कर दिया भाई, रिवर्स करके वीर ने वीरता वाला काम कर दिया भाई। फिलहाल अभी तक तो यार डैमेज जो है वो शीना की टीम को बहुत पड़ा हुआ भाई, डबल चोक स्लैम। अरे नहीं, ओ भाई स्टाइल तो रुक नहीं रहा यार, इतनी फुर्ती है भाई। अल्लो भाई, रोकने के लिए चोक स्लैम पड़ गई, कांड हो गया अगर कोई ना बचाने आया तो। भाई बाहर ही अंदर ही खड़े रहोगे क्या, ये क्या हो गया? अच्छा एक और फिनिशर लगाने की तैयारी में खली भाई, रिवर्स पड़ता तो फिर मज़ा आ जाता है यार। चलो कोई बात नहीं, सिग्नेचर मूव है भाई, अगर खली जी चाहे तो लगा सकते हैं। ओरे भाई कहाँ कहाँ से उठा उठा के मार रहा भाई, बट एक बात है भाई, स्टाइल एजे स्टाइल खेल बहुत बढ़िया रहा था भाई, अपनी फुर्ती का पूरा फायदा उठा रहा था भाई, ये सही है भाई, जाने भी नहीं दिया, खलास हो जाए भाई वीर महान। हाँ मुझे लगता है उसी की तैयारी है, बट रिवर्स ना कर जाए जिस स्टाइल, रिवर्स तो बहुत ही ज़्यादा कर रहा है। ये लो जी पड़ा खलास, कि रिवर्स कर गया, कर गया भाई, देख रहे हो ना मेरे को पता ही था रिवर्स कर देगा। ये समझ नहीं आ रही इसकी यार, ये तो मार खाने के लिए ही आता है अंदर रिंग के, आता है मार खाता है चला जाता है। ओहो, जिंदल महाल ना हरवा दे यार ये मैच, और अभी तक तो फिलहाल बढ़िया खेल रहे हैं सबके सब, और स्टाइल तो बिल्कुल ही पैसा वसूल खेल रहा है। आ फिनिशर की तैयारी, अब ये सेट को भी बुला लो यार, बेचारा वो भी खेलने के लिए आया हुआ है। ये पड़ी, ओ रिवर्स कर गया, और ये पड़ा मुझे लग रहा है भाई, अभी भी नहीं मार रहा यार, मुझे लगता है एलिमिनेशन एकदम से हो गए दो तीन भाई, एकदम से जब टाइम लगता है ना एलिमिनेशन होने में तो कई बार ना झट से एलिमिनेशन होती है, फिर फटाफट रिवर्स कर दिया क्या। हाँ चलो ये बढ़िया किया भाई, तो फाइनली सैथ को भी बुला ही लिया इन्होंने यार अंदर, मुझे तो लग रहा था सैथ को खिलाने के मूड में है ही नहीं है, जैसे एक्स्ट्रा प्लेयर होता भाई वैसे खिला रखा था। ओ खलास, सेट तो खलास खाने के लिए आया था भाई मेरे को लग रहा है, नहीं नहीं बच जाएगा अभी तो यार, अभी कुछ पड़ा नहीं है उसको, अगर यही खलास एजे स्टाइल को मार दिया होता भाई जिंदल तो एजे स्टाइल तो गया था समझ लो। एक और पड़ा, एक और पड़ा, रिवर्स कर गया, नहीं किया भाई। हो, ये पड़ा ना डैमेज अच्छे वाला। ओ तो जिंदल महाल को जिसको हम खोटा सिक्का बता रहे थे भाई, उसने ही एलिमिनेशन कर दिया है, पहला एलिमिनेट बंदा। ओहो सेथ रोलेंस एलिमिनेट भाई, अभी मुझे लगता है भाई टीम इंडिया बाजी मारेगी अपनी, तो भाई जिंदल जिताना भाई, हो टैग कर दे। हाँ ठीक है सही जा रहा भाई, चलो खली जी आ गए भाई। हो स्टाइल पागल हो गया, डबल चोक स्लैम खली फटाफट। अरे रिवर्स कर गया यार, रिवर्स कर गया भाई ये स्टाइल,
लेकिन यार जिंदल ने तो दिल खुश कर दिया भाई, डबल टीम के साथ मारेंगे भाई खली को, शोल्डर टैकल ही मारेंगे मुझे लगता है ऐसा। नहीं बंदा भारी है भाई, फिर दोनों ने उठाया जोर लगा के, ओ लो भाई डबल चोक स्लैम। मैं जिसको भी कहता हूँ वो मारेगा नहीं, सामने वाला मूव थीप मार देता है। खली नहीं अभी तो नहीं जाएगा शायद, खली भाई टीम को जिताना है, एलिमिनेट नहीं होना खली, कुछ भी हो जाए उठा दे यार, रिवर्स कर गया मेरे को लग रहा सीना, कर गया भाई कर गया कर गया कर गया काम कर गया, स्टाइल को बुलाया फिनोमिनल फोर आर्म के साथ, मुझे लगता है एंट्री करेंगे एजे। नहीं ये कुछ और ही करना चाहता है बंदा यार, ओरे भाई कितना फास्ट मूव करता है भाई, ओहो खली को कुछ नहीं हुआ अभी पड़ा, ओ भाई एजे खेल बहुत अच्छा रहा है बट डैमेज भी एजे को ही सबसे ज्यादा पड़ा हुआ है, और अगर एजे को एक आधा फिनिशर लग गया ना भाई, एक फिनिशर लग गया ना एजे को तो एजे ही सबसे पहले एलिमिनेट होगा भाई, तो सेट तो एलिमिनेट हो ही गए हैं, अभी अगला नंबर मुझे लगता है एजे का। और डबल टीम बढ़िया, डबल ए की तैयारी रिवर्स करके, ओहो वीरमार को देख रहे हो क्या भाई, सही काम किया है, चलो डबल चोक स्लैम खली, अरे यार करना, हालत पतली होने वाली है सीना की भी भाई, तो स्टंड है, ओ भाई नेक्स्ट लेवल ब्रूटैलिटी, चलो एजे स्टाइल आई गई फाइनली, इसको वीर मार ने यार कंधा मार के शोल्डर टैकल से ही कर दिया था स्टंड, वीर मान क्या कर रहा है, किक मारेगा, अच्छा रिवर्स कर गया, अच्छा वाला खड़ा खड़ा कुछ और कर देता है यार, ये लो डबल ए खा गया भाई, ये एलिमिनेट ना हो जाए कहीं, ओ लो यार वीर महान ने काम करवा दिया यार, चलो कोई बात नहीं, तो अपने जिंदल महाल आ गया भाई, अपना खोटा सिक्का, पहले भी इसने बढ़िया काम किया था, अभी देखते हैं भाई अभी क्या करेगा ये, हो लग रहा है भाई सबमिशन मूव, ये बात सीना की हालत पतली, खली रोक, खली किसको रोकना यार, एजे स्टाइल को रोक दे, खली ने क्या किया यार, मुझे लगा था एजे स्टाइल को रोकेगा आके, कहीं एलिमिनेट ना हो जाए भाई, हालत तो बुरी है ही है सीना की, ओ एक और फिनिशर चाहिए, जिंदल खलास पकड़ा इसको, लगा खलास फटाफट से, लगना चाहिए जिंदल भाई, रिवर्स नहीं होना चाहिए, लगा तो फिर मुझे लगता है सीना गया, फिर रिवर्स कर गया भाई, सीना भी हार मानने को तैयार नहीं है यहां से, अगर टीम, ओ भाई शुक्र है रोप ब्रेक हो गया भाई, जिंदल महल की भी हालत खस्ता है, ओ ये तो भाई मर गया क्या, गेम यार बड़ी खतरनाक चल रही है फिलहाल, समझ नहीं आ रहा कौन होगा, एलिमिनेट अगला प्लेयर, फिनिशर है जे स्टाइल पे लगाएगा मुझे लग रहा है, लगा तो नहीं दिया, ओ ये खाने के लिए आ गया यार आगे, ये क्या यार जिंदल यार बकवास, साइड में हो जाता भाई, खाने के लिए आ गया, ओ शुक्र है बच गया बच गया बच गया भाई, लेकिन अगर जिंदल को एक और पड़ा ना भाई तो जिंदल का काम खत्म, एजे हाँ मुझे लग ही रहा था एजे यही करेगा, चलो 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 ठीक है ठीक है ठीक है, एजे का दिमाग खराब हो गया बाहर से, वापस अंदर आ गया भाई, ये भी सही किया एजे ने, डबल ए ओरे भाई ये गया यार, क्या यार अभी खली अकेला रह गया भाई, खली अकेला रह गया यार, ये काम नहीं होना चाहिए भाई, खली यार तेरे को ही जिताना पड़ेगा मैच भाई, तो खली पे अभी हमारी जो नज़र है वो टिकी हुई है भाई कि खली जितवा पाएंगे या नहीं, ओ भाई क्या गेम है यार, क्या मज़ा आ रहा है भाई, क्या मैच है भाई, डबल चोक स्लैम की तैयारी, कनेक्ट होना चाहिए भाई, कनेक्ट होना चाहिए ये तभी मजा आएगा, अरे फिर रिवर्स कर गया यार सीना, अभी क्या, ओ चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सबमिशन मूव, तो यार ये तो खली का मूव इतना खतरनाक है ना भाई, एलिमिनेट खली भैया 101 जो कनेक्ट, ओ फाइनली खली ने जितवा दिया भाई द ग्रेट खली, तो खली भैया ने ग्रेट
नाम तो रखा हुआ ही है भाई, और ग्रेट वाला काम भी कर दिया आज। तो थैंक यू सो मच गाइस, टीम इंडिया का नाम रोशन कर दिया भाई अपनी टीम इंडिया के प्लेयर्स ने। ग्रेट खली ने ग्रेट वाला काम कर दिया, और जिंदल ने भी बढ़िया काम किया भाई।